घेर देते हैं राइट। देखिए ये जो है ना इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, और इससे एग्जाम में ना क्वेश्चन डायरेक्ट आता है प्रॉपर्टी से। कैलकुलस को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, तो एक वेक्टर कैलकुलस तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर कैलकुलस को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वह वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। अब ये बात मत सोच लीजिएगा कि जो आप ट्वेल्थ में डिफरेंशिएशन पढ़े वही डिफरेंशिएशन, नहीं। यहां पे वेक्टर वेक्टर की बात करेंगे, यानी वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे राइट। यहां पे वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। दूसरा यहां पे हम लोग वेक्टर वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। अब देखिए किसी किसी यूनिवर्सिटी को ये दोनों पार्ट एक ही बार पढ़ना होता है, ये दोनों पार्ट एक ही बार पढ़ना होता है। ऐसा बहुत कम यूनिवर्सिटी है जिसको दोनों एक ही बार पढ़ना होता है। इसको आपको पार्ट टू में और इसे आपको पार्ट थ्री में पढ़ना होता है, इसे पार्ट थ्री में पढ़ना होता है। किसी किसी को अगर पार्ट वन में ये डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो पार्ट टू में इसका इंटीग्रेशन पढ़ना होता है। मीन्स दैट कि यहाँ पे हम लोग अगर वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग फोर्स को यहाँ पे फोर्स के ऊपर स्टडी करेंगे, फोर्स को डिफरेंशिएट करके वहां पे वर्क डन निकालेंगे या मोमेंट निकालेंगे राइट। या किसी भी फंक्शन को उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, उसको बाय प्रॉपर्टीज उसके सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेक्टर कैलकुलस यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेट करके। आप क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन में आप 10th क्लास में या 12th क्लास में क्या पढ़ किए होंगे? वो वाई फॉर्मूला उसको आप सॉल्व किए होंगे। क्या किए होंगे? वाई फॉर्मूला उसको एरिया उसका वॉल्यूम निकालोगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ऐसा बॉडी मिल जाए जो नॉन ज्योमेट्रिकल शेप वाली है, इसका कोई नाम नहीं है, उस केस में अगर उसका वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर उसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर की मदद से इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करके यहाँ पे हम लोग उसका क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे या वेट निकालेंगे। यहाँ पे जनरली इंटीग्रेशन में वॉल्यूम ही का ही बात करेंगे। मीन्स दैट कि अगर आपको पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं तो आपको डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन की आइडिया होना चाहिए। तो जनरली पार्ट थर्ड में आता था, पार्ट थर्ड जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम रियल लिनियर अलजेब्रा चल रहा है तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आपको हम सिखाएंगे राइट। चलिए तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं? तो अभी केवल हम वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं। क्या? वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं और इसी का आपको बताएंगे कि वीवीआई टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये वेक्टर डिफरेंशिएशन में बहुत सारे टॉपिक्स है, तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राइट। देखिए तो हम किसका बात करने वाले हैं? अभी हम वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं राइट। देखिए ये लेक्चर आपको तनिक भी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा, ये जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी से तो हमें आपके लिए मोटिवेट होंगे वीडियो बनाते हैं राइट। तो यही हमें अभी इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं राइट। देखिए इसमें जो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो बेसिक डिफिनेशन यहाँ पे फर्स्ट की बात करेंगे तो बेसिक इसका ऑपरेटर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अभी इसका ऑपरेटर के बारे में आप नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसका बेसिक जो ऑपरेटर होता है ना उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और दूसरा जो हमने यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग सेकेंड बात करेंगे यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स। ओके, वर्क डन बाय फोर्स बात करेंगे। यहाँ पे थर्ड जो हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग फाइनली जो बात करेंगे फोर नंबर में जो बात करेंगे हम लोग ग्रेडियंट की बात करेंगे। क्या करेंगे? ग्रेडियंट। उसके बाद फाइव नंबर में हम लोग जो बात करेंगे डाइवर्जेंस की बात करेंगे। और यहाँ पे उसके बाद सिक्स नंबर में हम लोग कर्ल की बात करेंगे। टॉपिक्स आपको ना वेक्टर कैलकुलस में इतनी टॉपिक्स आपको वेक्टर कैलकुलस में फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ना है।
थोड़ा सा क्वेश्चन और किसी किसी यूनिवर्सिटी को यहां से भी आ जाता है, थ्री प्रोडक्ट और फोर प्रोडक्ट, अगर एक इसमें टॉपिक्स और हम जोड़ें, एक टॉपिक्स और जोड़ें सेवन नंबर पे, वो है आपको क्रॉस प्रोडक्ट से, जिसमें आपको थ्री प्रोडक्ट और फोर प्रोडक्ट आपको पढ़ना होता है, फोर प्रोडक्ट। ओके, तो ये सभी यूनिवर्सिटी में नहीं है लेकिन पाटलिपुत्रा विहार यूनिवर्सिटी में है, इसको भी हम कवर करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको लास्ट में हम कवर करेंगे, राइट। तो आपको घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है, कोई भी टॉपिक्स यहाँ पे हम छोड़ने वाले नहीं है। फिर से अगेन आपको रिमाइंड कर देते हैं कि वेक्टर कैलकुलस में हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको पार्ट टू में पढ़ना है, किसी को पार्ट वन में होगा तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, इसका ऑपरेटर्स क्या है, जैसे कि वेक्टर कैलकुलस, यहाँ पे हम अगर उल्टा डेल उल्टा त्रिभुज बना दिए इसको क्या पढ़ेंगे, इसका आइडिया तो होना चाहिए, इसको हम लोग डेल पढ़ेंगे, नेबुला पढ़ेंगे, ओके, डेल्टा पढ़ेंगे, तो हर जगह इसकी नाम तो आपको मालूम होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू क्या होता है, एरिया आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक ऑपरेटर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद वर्क डन बाय फोर्स हम लोग देखेंगे, इसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स देखेंगे, यहां से भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट। उसके बाद हम लोग ग्रेडियंट की बात करेंगे, अब मेन जो आपका डिफरेंशिएशन चालू होगा ना, ये तीन टॉपिक्स में ही है, ओके, मेन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट देखेंगे, डाइवर्जेंस देखेंगे और कर्ल देखेंगे। अब ये तीनों को ना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ये तीनों इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका डायरेक्ट आपके एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछता है, और इसी तीन का बेसिक जो प्रॉपर्टीज है, बेसिक जो फॉर्मूला है, उससे क्वेश्चन एक और पूछता है। यहाँ पे अगर हम लिखे, यहाँ पे अगर हम लिखे क्वेश्चन प्वाइंट नंबर एट, आप नोट डाउन करिएगा, यहाँ पे ये लिखेंगे, इसका प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, किसका प्रॉपर्टीज, कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, ये तीनों का जो बेसिक जो फॉर्मूला बनेगा वहां से प्रॉपर्टीज क्रिएट होगा। वो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इसका प्रॉपर्टीज वाला जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, ये आपका यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीवीआई है, ये इससे क्वेश्चन तो आता ही हर एग्जाम में, साथ में ये इससे इससे इसका चांसेस कम होता है लेकिन इसका चांसेस बहुत होता है। देखिए इसमें जिसका जो चांसेस है ना, उसमें हम आपको ये बना देते हैं, घेर देते हैं, राइट। देखिए ये जो है ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, और इससे एग्जाम में ना क्वेश्चन डायरेक्ट आता है प्रॉपर्टी से इसका, राइट। तो ये तीन टॉपिक्स ना, आपको तीन टॉपिक्स कवर किए, समझिए आपका वेक्टर कैलकुलस खत्म, पाला पट खत्म डिफरेंशिएशन वाला, राइट। लेकिन ये तीन को पढ़ने के लिए आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का आइडिया होना चाहिए, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ये जो हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ाने जा रहे हैं वो हम केवल मेंबरशिप वाले के लिए पढ़ाने जा रहे हैं, तो अगर आप हमारा मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किए हैं स्मार्ट कॉम्बो 159 का, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, स्मार्ट कॉम्बो आएगा 159 का मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, उसका वेक्टर कैलकुलस को मजे लीजिए, ओके, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस जब आपको हम पढ़ाएंगे तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं, और आपको ये कोई वीडियो पब्लिकली रहेगा, ताकि आपको थोड़ी बहुत अगर मेंबरशिप नहीं भी लेते हैं तो आपको टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी हमारा पेड कोर्स का जो भी टॉपिक्स वाला है या गाइडेंस वीडियो हम पब्लिक करेंगे आपके हेल्प के लिए, राइट। और बाकी अगर आप डिटेल में हमारा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, हमसे कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी हमारा पेड कोर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीका का है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही कुछ बातें था जो वेक्टर कैलकुलस के बारे में हमें आपको साझा करना था, इसका और रियल लाइफ में कैसे यूज है, कहाँ यूज है, तो वो वाले वीडियो का लिंक आपको आईकार्ड मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल में मैं पढ़ाए, राइट। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।